मेरी श्रीमती जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो मुझे वृक्षों से, मतलब जो प्राचीन वृक्ष हैं उनसे मुझे बड़ा प्रेम है। मैं देख करके रुक गया। जब नज़ारा मैंने देखा तो गांव के लोगों ने वहां की जो आसपास की मिट्टी थी वो सब खोद खोद के अपने घरों में काम में ले, किसी ने भराव में काम ले ली, तो वहाँ एक पोखर का रूप ले लिया और वृक्ष की स्थिति ऐसी होगी कि अब गिरा तब गिरा। हम गंगा स्नान तो भूल गए, हम दोनों पत्नी पत्नी वहीं रुके, जानकारी ली कि भाई यहाँ के प्रधान कौन है। गांव में खलबली पहुंच गई, बिल्कुल कोई व्यक्ति आए हैं, प्रधान जी को पूछ रहे हैं, और वो प्रधान जी भी तभी आ गए। हमने पूछा भाई ये क्या हो रहा है प्रधान जी, बोले भाई साहब माने तो बहुत करते हैं। मैंने भाई ये तो वृक्ष कितने साल पुराना होगा, बोले हमारे बाबा के बाबा ने ही बताया था कि वृक्ष है। तो मैंने समझ लिया करीब 500-600 वर्ष पुराना वृक्ष है। बोले हाँ जी इतने पुराना वृक्ष, तो मैंने भाई इसको बचाओ ना। तो हमने तभी संकल्प लिया खड़े होकर के कि भाई इस वृक्ष की हम अपने हिसाब से रक्षा करेंगे। तो तभी हमने उस वृक्ष के बारे में थोड़ी डिटेल्स निकाली और फिर DM थी यहाँ, उनसे हमने संपर्क किया, तो मनरेगा के तहत वहाँ करीब 15 दिन 20 ट्रैक्टर ट्रॉली उसको मिट्टी को भरने का काम किया। और जब 20 दिन बाद वो जब पूरा भर गया, वो जो पोखर थी, जो तालाब था, वो पूरा समतल हो गया, फिर वहाँ हम लोगों ने तभी शहीद आजम सरदार भगत सिंह जिनका जन्मदिवस आ गया था, तो हमने उसी स्थान पर जन्मदिवस सेलिब्रेट किया। और आज वो स्थान पूरा का पूरा समतल एकसार है और वहाँ गांव वालों ने मिलकर के एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। और उन गांव वालों की भावना ही मैं आपको बता दूं कि उन सब लोगों ने मिलकर के मुझे बोले पंडित जी इस ज़मीन को हम आपके नाम कर देते हैं। मैंने कहा भैया ये सारी ज़मीन मेरे नाम है देश की, तो छोटी ज़मीन मुझे देकर क्या करोगे। तो इस तरह के कार्य परमात्मा ले लेता है।